खेत में भले ही कपास की बुवाई हो गई हो, लेकिन पिछले 12 दिनों से किसान डीबी की खराबी से जूझ रहे हैं। इस संबंध में जिन किसानों ने खेत में बुवाई की है, वे बार बार कलसा गांव के वायरमैन से इलेक्ट्रिक डीबी की मरम्मत की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस वायरमैन ने किसानों का मजाक उड़ाया है। किसान वायरमैन से नाराज होकर और बड़ी संख्या में किसान बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों से मौखिक शिकायत कर रहे हैं। इस संबंध में विद्युत वितरण कंपनी के उप अभियंता राठौड़ व झा साहब से भी बार बार हाथ जोड़कर रोहिता को चालू करने का अनुरोध किया गया, लेकिन विद्युत वितरण अनुमंडल अभियंता दिग्रस चोर का साथ दे रहे हैं। लेकिन बिजली बिल भरने के बाद भी आम उपभोक्ताओं को यह सुविधा नहीं दी जा रही है। क्या अधिकारियों को इस बात का एहसास नहीं कि बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों ने सरकार को 24 घंटे सेवा देने की लिखित गारंटी दी थी? ऐसा भ्रम आम नागरिकों में पैदा हो गया है। यवतमाल जिला किसान आत्महत्याग्रस्त जिला है। किसानों की फसल जलने की अवस्था पर आ गई है। एक दो दिन और विलंब हो गया तो सारी फसल जलकर खाक हो जाएगी। अगर फसल का नुकसान होता है तो उसे जिम्मेदार बिजली वितरण कंपनी के अधिकारी होंगे। ऐसे ही नुकसान के कारण किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बिजली विभाग के अधिकारी होंगे। ऐसी भावना किसानों ने व्यक्त की है। हाँ, 12 दिवस झालेले आहे कापसाची लागवड केलेली आहे आणि पाऊसहीसुद्धा नाही वरचा आणि MSCBवालेसुद्धा आम्हाला कोणतीच मदत करत नाही, DPC लाईन बंद आहे। त्यामुळे आता निघालेले कपाशी ते कोमातनी असून टोपणामध्ये आहे आणि आता काही उगवलेले आहे तेसुद्धा मरण्याच्या फिकरीत आहे। आणि काय करावं कष्टकाराने याच्या आताबद्दल आम्हाला थोडीशी मदत करावी MSCBवाल्याने। पाण्याचीसुद्धा आम्हाला अत्यंत गरज आहे। आता आम्हाला MSCBवाल्याने तात्काळ मदत करावी, लाईनीची लाईन दुरुस्त करून द्यावी। आम्ही विहिरीचे पाणीसुद्धा देऊ शकतो, नाहीतर आम्हाला याच्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही। मी पॉवर ऑफ केलं ते लाईन पण ठेवली आहे ना साहेब लोकांना, आम्हाला पैसे मागते तर आम्ही पैसे कुठून द्यायची आहे? हां, कशाची लागून केलेली आहे तुम्ही? हे आम्ही पराठीची लागून केलेली आहे। किती दिवस झाले? 8-10 दिवस झाले, याच्यावर पाणी नाही आहे। एक पाणी आलं ते पुसून पाणी नाही। आणि लाईन किती दिवस झाले बंद? लाईन बाबा 8-10 दिवस झाले लाईन बंद ठेवली आहे। याविषयी आपण तक्रार केली नव्हती का? केली पण ते येऊ शकत नाही ना इकडे, पैसे मागतो। इथं लाईनमन कोण आहे? लाईनमन लाईनमन आपला तिथुरीच आहे बाबा, ते पोरगा काय म्हणते ते? ते म्हणते पैसे द्या तेव्हा तुमची लाईन चालू होती। पैसे दिल्याशिवाय लाईन चालू करा? लाईन चालू करत नाही। शेतात हिर आहे, VKB न्यूज के लिए यवतमाल से अजीत महेंद्र की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।